राजधानी लखनऊ में आयोजित बहादुर शाह जफर जयंती समारोह में बोलते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि बहादुर शाह जफर ने बर्तनिया हुकूमत के खिलाफ जो किया उसे चाहे बगावत कहा जाए चाहे आज़ादी की लड़ाई, पर आज़ादी की नींव वहीं से रखी गई थी। ऐसे ही बलिया की धरती पर शुरू हुए संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का भी शीर्ष महत्व है। चौधरी ने कहा कि आज फिर समझने और एक होकर स्थिति का मुकाबला करने की ज़रूरत है, अन्यथा जैसे हम कभी अंग्रेजों के गुलाम थे आगे कुछ पूंजीपतियों के गुलाम होंगे। अगर कोई बगावत कहता है जफर साहब के लिए वो भी ठीक, कोई क्रांति कहता है तो भी ठीक, क्योंकि उन लोगों ने इस गरीब देश की जनता जो उस जमाने में भूखो मरने के लिए विवश थी, कपड़े खान पान उनका बहुत ही दयनीय दशा में था, और इसके लिए हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने सब कुछ अपना त्याग दिया। जफर साहब यही कहते थे कि किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है, किसी इंसान को इंसाफ बता देना बगावत है। तो मैं भी एक बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, मिटा दू जुल्म की हस्ती यही पैदा है। जुल्म कर रहे थे देश में अंग्रेज, ऐसा जुल्म जो हम लोग पढ़ते हैं तो आत्मा हिल जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में पहली गोली चलाई थी, पहली गोली के शिकार कोई अंग्रेज हुआ तो मंगल पांडे की गोली से हुआ। अब सरकार हमने मुफ्त वैक्सीन लगवाई और धन्यवाद मोदी जी का बोल पूरे गांव गांव में लगा है। मैंने विधानसभा में एक दिन कहा कि जब देश हमारा बिल्कुल गरीब था, अकाल से वर्षा से बाढ़ से तबाह था, उस जमाने में प्लेग आया था, लाखों लोग मरे, प्लेग का सुई लगी निःशुल्क लगी, चेचक आया लाखों लोग मरे उसका जो टीका लगा निःशुल्क लगा, हैजा आया लाखों लोग मरे उसका जो टीका लगा निःशुल्क लगा, अभी पोलियो ड्रॉप पिलाया गया निःशुल्क पिलाया गया। और मैंने विधानसभा का कहा डॉक्टर साहब कि जब 3 हिस्सा लोगों ने खरीद के वैक्सीन लगवा ली तो 1 हिस्से के लिए आप वोट डाले हो कि फ्री वैक्सीन है, धन्यवाद जो मोदी जी कि अपना अपना गरूर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो देश रसातल में पहुंचने वाला है। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब मुट्ठी भर पूंजीपतियों के गुलाम होने जा रहे हैं। इसलिए आप बहुत कुछ ना कह करके वामपंथी नेता अतुल कुमार अंजान ने कहा कि 24 अक्टूबर बहुत ही पाक दिन है, इस दिन पर आयोजित यह प्रोग्राम बेहद खास है। आज जब हम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तो लखनऊ वालों से मेरी यह गुजारिश है कि अब वास्तविक अर्थों में बहादुर शाह जफर को भी याद किया जाए। उन्होंने कहा कि जिसके विचारों के तले 2/3 दुनिया चलती है, उन कार्ल मार्क्स जैसे विचारक ने भी ढेर सारे आर्टिकल लिखे, फर्स्ट फ्रीडम वॉर ऑफ इंडिया पर लिखे हैं। एक दूसरे का एहतराम करना, उसका सम्मान करना, ईद पर सेवैया खाने जाना और होली पर गुजिया खाने जाने की यह परंपरा अगर हो जाए तो कोई ताकत हमको पाट नहीं सकती। इसी अवध में अवध के नवाबी होली खेला करते थे, यहाँ लोग मुंशी झाऊलाल के नेतृत्व में ईद भी मनाते थे, बकरीद भी मनाते थे और मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी मनाते थे। ये बात याद है क्या किसी को? मुंशी झाऊलाल जी बड़े मंत्री थे, लेकिन नहीं, देश सिर्फ विचारों से नहीं बनता, देश
और लोगों का मिलन और आत्माओं का मिलन विचारधाराओं के साथ साथ धार्मिक रस्म और रिवाज को बड़े दिल से आप स्वीकार करते हैं तब मिलता है और तब आगे बढ़ता है। छोटा दिल रख करके बड़े लोगों की याद करने से हम अपने मकसद को नहीं हासिल कर सकते। एक दिन की विधानसभा बजट भी पास करा लो, 17.5 साल से कोई आदमी विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं है उसका भी चुनाव करा लो और गाली गलौज भी कर लो और अपने आदर्शों का व्याख्यान भी दे दो, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता क्या? लोकतंत्र को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, जिसकी बात कहा बहादुर शाह जफर ने कि मेरी सिर्फ मेरा ही काम नहीं है कि मैं बादशाह, मुझे मत बनाओ, एक काउंसिल बना लो जहां से मुस्तहदा एक तरीके की गंगा जमनी संस्कृत के आधार पर लोकतांत्रिक पद्धति नहीं। ये लखनऊ बड़ा महान है, 73-75 साल की आज़ादी में कभी हमने सोचा इस पर? घर की दीवारों में खुद तूने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसे? अपने धर्म को मानिए, लेकिन ऐसा मत मानिए कि दूसरे की आंखों के सामने ज्वलंत चुनौती का प्रश्न रखिए। हम अपने धर्म को माने और दोनों अपने धर्म को मानते हुए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत देगा। समारोह में मुख्य अतिथि नेता राम गोविंद चौधरी एवं मंचा सिंह अन्य अतिथियों ने शहर की कई हस्तियों को सम्मानित भी किया। बहादुर शाह जफर की कुर्बानी का संदेश के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी राम गोविंद चौधरी ने किया। अंत में पूर्व MLC सिराज मेहंदी ने सभी आगंतुकों का आभार जताया। उन्होंने कार्यक्रम में आयोजक ईसा राम अली और उनकी टीम को धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार एहतेराम सिद्दीकी, चांद मियां सभासद, खालिद अंसारी, औसाफ अकबर सहित आदि उपस्थित रहे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।